Hey all, मैं डॉक्टर नाजिर हसन. वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेडमिक मेकर. मैंने जैसा आपने लास्ट कई वीडियोस में कहा भी है कि अगर वीडियोस पसंद आ गए हैं आपको तो अपने कमेंट दें और लाइक एंड शेयर करते रहें. बेल आइकन को दबा के रखें, उससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि लेटेस्ट अपडेट आपको पता चलता रहेगा. साइमल्टेनियसली टेलीग्राम के में जा करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, दैट इज़ एकेडमिक मेकर. आप टेलीग्राम में एकेडमिक मेकर सर्च करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड इट ओवर देयर. And I hope you must be following the instructions which have been provided by the central, state and district authorities related to your coronavirus, COVID-19 and lockdown. आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. ये दिया किसने था? ये दिया था मैकग्रेगर ने. थ्योरी एक्स क्या था? इंडिविजुअल हुआ सेल्फ हुआ मोटिवेटेड इन लोअर ऑर्डर. थ्योरी एक्स, इंडिविजुअल हुआ मोटिवेटेड इन लोअर ऑर्डर नीचे से. थ्योरी वाई, इंडिविजुअल हुआ मोटिवेटेड एट हायर ऑर्डर ऊपर से. अब एक्स वाई के बारे में जब भी बात होगी, कई बार ये सवाल आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है कि थ्योरी एक्स तो नीचे, एक्स वाई, थ्योरी वाई ऊपर. याद रखना कि इसको आप अल्फाबेटिकली याद कर लेंगे. थ्योरी एक्स, एक्स आया मतलब नीचे ऑर्डर, वाई, एक्स के बाद ही वाई आता है तो दिस इज इन हायर ऑर्डर. इसमें था क्या बेसिकली? थ्योरी एक्स वो होता है जो एम्प्लॉई हुआ मोटिवेटेड एट लोअर ऑर्डर, खुद से मोटिवेटेड नहीं होता है. उसको जब तक आप पुश नहीं करते हैं, उसको रास्ता नहीं दिखाते हैं तो वो काम नहीं करता है. थ्योरी वाई वाले वो लोग हैं जो हायर ऑर्डर से मोटिवेटेड होते हैं. आई मीन खुद से क्रिएटिव होते हैं, खुद से इनिशिएट लेते हैं, खुद से काम करने की कोशिश करते हैं, खुद से ऑर्गेनाइजेशन के नीड वॉन्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी स्ट्रक्चर है, जितने भी गोल्स है या कुछ अपना क्रिएटिव पार्ट लगाते हैं उसमें. इसमें अजम्पशन था थ्योरी एक्स में मैकग्रेगर ने दिया था, लैक एम्बिशियस. थ्योरी एक्स लोअर ऑर्डर लैक एम्बिशियस एंड डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो एम्बिशियस नहीं होते हैं, उनको एक काम दिया जाता है वो उस काम को रूटीन वर्क में करते हैं. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने से घबराते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा उनको ख्वाहिश नहीं होती है. ये वो लोग हैं, सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड पीपल हैं. ये खुद में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और नॉट ब्राइट. इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा कि जिनको कह सकते हैं कि लाइक बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं है, हैं वो एक रूटीन और बहुत सारी चीज़ों को अपने इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फॉलो किया जा रहा है. कई दुनिया में कई ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको. तो इनको जो मिनिमम नीड है वो उसको अपना सेटिस्फाइड करते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं, ज़्यादा काम मिलने से डरते हैं, डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्बिशियस नहीं होते हैं ज़्यादा. ये वो लोग हैं. अजम्पशन ऑफ थ्योरी वाई बाई मैकग्रेगर, पैसिव पीपल. जैसा मैंने आपको बताया कि ये लोग एक्टिव होते हैं, पैसिव होते हैं, डेवलपमेंट पोटेंशियल होता है इनमें, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैव द कैपेसिटी, वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. जैसा मैंने आपको बताया, दे टेक इनिशिएटिव. आपने उनको बोला कि हमें 10 यूनिट सेल चाहिए, वो अब दिमाग लगाएंगे, कंपनी के पुराने स्ट्रक्चर और अपना इनपुट कुछ डालेंगे, कुछ क्रिएटिव पार्ट डालेंगे और 10 यूनिट का सेल को वो अचीव कर लेंगे, अगर कंपनी का यूनिट 5 है तो. दूसरे वो लोग थे थ्योरी एक्स वाले, जो अगर आप 10 यूनिट बोलेंगे तो इनको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, टारगेट दोगे तो ये घबराएंगे, ये भागेंगे, बहाना बनाएंगे. थ्योरी वाई वाले वो लोग हैं जो बार बार कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने के लिए कुछ अलग एफर्ट डालेंगे. ऑल दो रिजल्ट आए नहीं है, बट दे आर पैसिव पीपल, दे आर एक्टिव पीपल. इसमें मैकग्रेगर ने जो थ्योरी दिया था, इसने साफ साफ कहा था कि वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन गोल. थ्योरी वाई वाले लोग, ये लोग ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, डेडिकेटेड लोग होते हैं और इनमें भूख होती है. तो अगर आप जैसे लाइक इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं, ठीक है पास कर जाना है, कई लोग होते हैं जो दिन रात लगे रहते हैं. तो ये थ्योरी वाई वाले लोग हैं जो दिन रात करके लगे रहते हैं, जो थोड़ा आराम आराम से हौले हौले चलते हैं. ये थ्योरी एक्स वाले लोग हैं, इनको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है. अच्छा ठीक है, नहीं होगा तो देखा जाएगा, कोई ऑप्शन ढूंढा जाएगा. दिस इज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. अब बात करते हैं मैकलैंड थ्योरी ऑफ नीड. थ्योरी ऑफ नीड दिया था मैकलैंड ने. तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में एडाल्फर थ्योरी डिस्कस की थी, जिसमें ईआरजी थ्योरी था, मास्लो हायरार्की नीड थ्योरी को डिस्कस किया था, तीसरा थ्योरी था मैकग्रेगर थ्योरी, थ्योरी एक्स वाई. नेक्स्ट जो थ्योरी को आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैकलैंड नीड थ्योरी. नीड थ्योरी, ये नीड थ्योरी मतलब हर इंसान की चाह का थ्योरी था, नीड फॉर अचीवमेंट.
एक एम्प्लॉई है वो अचीवमेंट को का उसमें एक नीड होता है, वो चाहता है कि डाइवर्सिफाई टू एक्सेल, टू अचीव, टू रिटेन एट टू अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्ट्राइव टू सक्सीड. उनके अंदर अचीवमेंट की भूख होती है. ये वही बात है जैसा मैंने आपको कहा थ्योरी वाई. तो मैक्लेलैंड की नीड थ्योरी को और थ्योरी वाई को अगर रिलेट करते हैं तो वो नीड ऑफ अचीवमेंट सेम हो गया. नीड ऑफ पावर, इनमें पावर की भूख होती है, सत्ता की भूख होती है. दे नीड टू हैव अ पावरफुल वे, पावरफुल टू बिहेव लाइक दे आर लाइक बॉस. इनमें बॉसिज्म या ग्रोथ प्रमोशन की भूख ज्यादा होती है. तो इसको आप को रिलेट करेंगे थ्योरी वाई के, मैग्रेगर के थ्योरी वाई से. ठीक है, नेक्स्ट नीड ऑफ एफिलिएशन. इनको रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, इनको बड़ा नाम चाहिए होता है, इनको नाम की भी भूख होती है, इनको अचीवमेंट की भी भूख होती है, इनको पावर की भी भूख होती है. तो ये कौन लोग हुए? थ्योरी वाई, मैक्लेलैंड. जैसा मैंने दो थ्योरी आप लोगों के साथ आज फिर डिस्कस किया, वेरी शॉर्टली विल बी हैविंग अनदर वीडियो जिसमें हर्ज़बर्ग ट्रूथ फैक्टर थ्योरी को डिस्कस करेंगे एंड गोल सेटिंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे. टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक यू.